श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ऊ श्रीऋषिभ्यो नमः सहना भवतु सहनौ भोनक्तु सह वीर्यं करवावहै ते यस्वेनावधीतमस्तु मा विद्वेषा वै ॐ शान्तिः 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 शान्ति. सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हादत मित्रो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचम अध्याय प्रथम पाद कक्षा संख्या द्वितीय दो को आज पढ़ेंगे सेकंड क्लास को चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ा दिए थे सूत्र आपको पढ़ा दिए थे मैंने प्राकृताक्ष उगवाद्यो यत कम्बलाच्च सं हवेपादिभ्य तस्म हितम शरीरा कितने सूत्र पढ़ा दिए थे चलिए आगे का सूत्र है सातमा खाला यावा ब्रह्मणश ठीक है पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा यावा माशा तेला खाला यव माशातिला वृष्टा ब्राह्मणश्च पदच्छेदः खाला यव माशातिला वृष ब्राह्मणः पंचमी विभक्ति एकवचनांतम च अव्यय ठीक है समासः खाला इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः समाहार द्वंद्व समास कर दिया इसमें विग्रह आप कर लेंगे यहां लिखा हुआ है जैसे खलश्च यवश्च माशश्च तिलश्च वृष्च ब्रह्मा चो तो ब्रह्मा का रूप ब्रह्मा, है ब्रह्मा ब्रह्म वह चलता है ब्रह्मन का तो ब्रह्म खल याबा, माष तिल वृष ब्रह्म ब्रह्म ऐसा आएगा ठीक है ना नहीं आएगा क्योंकि नपुंसक लिंग में ये पुल्लिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी चलता है समार्दन नपुंसकलिंग होता है तो जब इकट्ठा करेंगे तो नपुंसकलिंग एक वचन लाएंगे तो ऐसा है खाला वृक्ष और फिर तस्मात ब्रह्मण फिर पंचम व्यक्ति एक वचन में ब्रह्मण बन जाए इस प्रकार से करना ठीक है अनुवृत्ति इसमें आती है यत तस्मी हितम तदिता न्याप्रापति प्रत्यय इन पदों की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अर्थ चतुर्थी समर्थे खाला यवा माश तेला वृष ब्रह्मन इतभ्य प्रातिपदिकेभ्यो हितमित तस्मिन अर्थे यक प्रत्ययो भवति ठीक है तो चतुर्थी समर्थ खल यव माश तिल वृष ब्राह्मण इन प्रातिपदिकों से हितम इस अर्थ में क्या होता है यथ प्रत्यय होता है इसको क्या प्राप्त था तस्मयी हितम से छ की प्राप्ति थी तो ये तस्मय हितम इस मान हित अर्थ में छ का अपवाद है ध्यान रखेंगे केवल ये इन शब्दों से हित अर्थ में ही प्रत्यय होगा जो आगे कुछ अर्थ आएंगे अभी क्रित से पहले पहले अर्थ उनमें सब अर्थों में छ प्रत्यय नहीं, हो, नहीं होगा यथ नहीं होगा ठीक है केवल तस्मय हितम हित अर्थ में होगा तो कहते हैं खलाय हितम खल्यम खल के लिए जो खल का अर्थ है पर खलियान ठीक है खलियान खलियान ये प्राचीन काल में है। जहां पर गेहूं काट करके इकट्ठे किए जाते थे उस स्थान को खलिहन कहा जाता था ठीक है तो उस खल खल के लिए हितकारी जो स्थान वो क्या हो जाएगा खल्यम ऐसे यव जो, जो हितकारी स्थान आदि जो कुछ भी है हितकारी वो यव्यम हो जाएगा ठीक है माश्यम तिल्यम वृश्यम ब्रह्मण्यम सब जगह यहां पर यथ प्रत्यय हो गया है यहां परीचे से सब जगह लोप हो रहा है और यहां पर लोप नहीं हो रहा है यहां ब्राह्मण है और आगे आपका यत आ गया है और जुड़ गया है ब्रह्म बन गया है ठीक है यहां पर ध्यान देंगे आपको हम चलते चलते बता देते हैं यहां पर ये यह ब्राह्मण प्रातिपदिक है और चतुर्थी समर्थय आ जाएगा और प्रत्यय हो गया ठीक है ताकि संजय का लुक हो गया यहाँ पर के पर तो यहाँ पर क्या है नस्तदित से टीका लोप प्राप्त हो रहा था नस्त से टीका लोप परंतु हमने पहले भी कई बार पढ़ाया एक सूत्र है उसका अपवाद ये भाव कर्म कर्मणो वही छठ में अध्याय उसी प्रकरण में है के आगे दस पंद्रह सूत्र आगे ये चाव ये चा भाव कर्म भाव और कर्म अर्थ से भिन्न अर्थ में बेहित यदि परे हो तो क्या है का लोप नहीं होता है नकारांत को तो ये चा कर्मणों से ये यकारादि प्रत्यय परे है तो यहाँ का लोप निषेध हो गया तो ब्रह्मन और डे अ और यहां पर फिर अटकुपांग नुम व्यवाय पी से अणत्व हो गया तो ब्रह्मण्यम बन गया ठीक है स्वाद उत्पत्ति करके तो ये हो आपका चलिएगा अजाविभ्याम थ्यन अजाविभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम थ्यन प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम समास अजा इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व तो यहां पर अजश्च अभिश्च अजावी ताभ्याम अजाविभ्याम इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है तस्मय हितम तद्यता ज्ञाप्रात्र प्रत्यय परश्च ठीक है अर्थ चतुर्थी समर्थाभ्याम अजा अभी इतताभ्याम प्रातिकाभ्याम हितम इत्ते तस्मिन अर्थ एथ्यन प्रत्यय भवती कहते हैं चतुर्थी समर्थ अज और अभी इन दो प्रातिपदिकों से हेतम इस अर्थ में थन प्रत्यय हो जाता है क्या थन ये भी क्या है छका अपवाद है तो अजा अजथया ठीक है अभिथ्या तो यह स्त्रीलिंग शब्द है युथी ये क्या स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए तो यूथी का अर्थ होता है झुंड समूह तो बकरों के लिए हितकारी जो समूह ऐसा समूह जिसमें बकरे बकरों का हित होता है, है? उनकी देखरेख ठीक होती है तो वो झुंड ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर अजथया बन गया स्त्रीलिंग टाप आ जाएगा बाद में ठीक है तो अजा से थ्यन प्रत्यय होकर के थे होगा तो अजथया ऐसे अविथ्या अभिशब्द है यहां पर तो अभी का अर्थ होता है भेड़ तो भेड़ के लिए जो समूह हितकारी होता है उसको बोलते हैं अविथ्याय सरल है ठीक है इसमें जैसे आकार का और एक का लोप हो जाएगा के परे रहते आ नहीं यहाँ स्थिति लोप की आवश्यकता ही नहीं है तो होगा ही नहीं तो बसं प्राप्त नहीं है क्योंकि थत्यय क्या है था है इसलिए आ ऐसा का ऐसा ही रहा है ई ऐसा का ऐसा यहाँ ऐसे तीस लोप नहीं होगा ठीक है चलिएगा यहाँ लिख दिया गुरु जी ने अजह का अर्थ है बकरा तथा अभी का अर्थ है भेड़ ये भेड़ के वाचक शब्द है आत्मन विश्व जन भोगोत्तर पदार्थ आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदात पंचमी व्यक्ति एक वचना खाह प्रथमा व्यक्ति एक भोगोत्तर सामस बाउबरी भोग शब्द है उत्तर पद में जिस शब्द के तो वो भोगोत्तर पद हो गया ठीक बाउबरी हो गया आत्मा चा विश्वजन चा पदम च विश्वजनच च आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदम तस्मात भोगोत्तर पदात समाद फिर समार्वंद हो गया इनका अनुवृत्ति इसमें आ रही है तस्मै हितम त्याप्रा प्रत्यय परश इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ चतुर्थी समर्थाभ्याम आत्मन विश्वजन इतताभ्याम भोगोत्तर पदाच प्रातपदका हितमिते तस्थे ख प्रत्यय भवती कहते हैं चतुर्थी समर्थ आत्मन और विश्वजन ये दो प्रातपदिक हो गए और कहते हैं भोगोत्तर पदाच्च प्रापिकात और भोग शब्द हैं भोग उत्तर पद में जिसके ऐसा प्राप्त वो कोई भी हो सकता है भोग बाद में होना चाहिए तो हितम इस अर्थ में क्या हो जाता है ख प्रत्यय हो जाता है ये भी छ का अपवाद है तो आत्मने हितम आत्मनम तो ख प्रत्यय ख को क्या हो जाता है ईन आदेश हो जाता है आय न छि नाम से इन आदेश हो गया तो आत्मन आत्मन से आत्मनीनम बन गया ऐसे ही विश्वजनीनम तो विश्वजन मन विश्वजन के लिए विश्व के लोगों के लिए जो हितकारी तो विश्वजनीम जनीनम यहाँ पर भी इन हो गया ख को और तीचे से लोप हो गया है यहां पर लोप नहीं होगा ठीक है भो, भोगोत्तर पदार्थ तो मातृभोगीणा पितृभोगीणा तो मातृभोग शब्द है और पितृभोग शब्द है तो उससे क्या हो जाए ख हो जाएगा चतुर्थी समर्थ से और इसको अटकुपुमी से क्या हो जाएगा अण तो हो जाएगा ठीक है तो यहां पर दे रहे हैं आत्मने हितम मे अपने लिए जो हितकारी है उसको बोलते हैं आत्मनीनम ठीक है आत्मनीनम इसका अर्थ है मातृभोगिणा पितृभोगिण ये तो सर ना विश्व के लिए हितकारी विश्व नियम हो गया मातृभोग का अर्थ है माता के शरीर के लिए जो हितकारी मातृभोग शब्द यहां शरीर का वाचक है वास्तव माता का भोग माता का माता के शरीर के लिए हितकारी जो वस्तु है उसको बोलेगे मातृभोगिण और पित्र भोगीणा है पिता के शरीर के लिए जो हितकारी है उसको पितृभोगीणा ठीक सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है ठीक है इनमें मातृभोग शब्द है पितृभोग आकार का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा और अटकुपन्मय से हो जाएगा ठीक है और आपका ये यहां पर ये है आपका आत्मा यहां पर एक विशेष है बता देता हूं यह ये है आत्मन और ये ए और ख खा। खा को क्या हो गया इन ने का लुक हो गया ठीक है ये अब क्या है? इन हो गया इसको अब यहां पर क्या है ये अच्छी हमसे भाषण जाए तो नस्तदित से इसके क्या है टी का लोप प्राप्त होता है नकारांत है तो नस्तद्ध से टी का लोप प्राप्त होता है अनुभाग का परंतु वहां पर एक सूत्र है आत्मा खे वहीं प्रकरण में नस्तदे वाले प्रकरण में क्या सूत्र है आत्मा ध्वान देख लीजिएगा सूत्र संख्या में बता देता हूं आपको ये छह वही देखिएगा छोटे चार एक सौ उनहत्तर वन सिक्सटी नाइन ठीक है आत्मा ध्वानवखे सूत्र है तो आत्मा खे कहता है कि आत्मन शब्द के और अध्वन शब्द है उसके बाद में खप प्रत्यय परे है तो फिर नस्तद्ध से टीका लोप नहीं होता है तो उससे क्या है टीका लोप का निषेध हो गया तो आत्मा नीनम बन गया है यहां पर तो सब जगह ऐसे तीजे से लोप हो जाएगा ये ध्यान रखेंगे ठीक है सिद्धियों में चलिएगा सर्व पुरुषाभ्याम अणाढ़य सर्व पुरुषाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विचनातम अणाढ़य प्रथमा व्यक्ति द्विचनातम समास उभयत्र इतरे इतर, इतर यो द्वंद ठीक हितं है अनुवृत्ति तस्मय हितम तद्यता न्याय प्रातिपति का प्रत्यय परश्चय इनकी अनुवृत्ति है अर्थ चतुर्थी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा यथासख्यम णँ प्रत्यय भवता हितमितेतस्मर्थे ये कहते हैं चतुर्थी समर्थ सर्व और पुरुष सर्व शब्द से, से, से और पुरुष प्राप्ति से यथासख्य करके सर्व से अण और पुरुष से ढई प्रत्यय हो जाते हैं हितम इस अर्थ में ये भी तस्म हितम जिससे जो प्राप्त था उसका अपवाद है अर्थ में तो सर्वस्मय हितम सार्वम ये क्या हो गया अण हो गया तो सर्वस्म सबके लिए जो हितकारी होता है उसको बोलते हैं सार्वम तो यहां कुछ नहीं है सर्व से आ गया वृद्धि हो गई है तुचाम आकार का लोप हो गया अणा का जुड़ गया तो सार्व और स्वाद उत्पत्ति करके सार्वम ऐसे पौरुषेयम तो पुरुषाय हितम पौरुषेयम पुरुष के लिए जो हितकारी वो पौरुषेयम तो पौरुष पौरे पौरुषेय क्या होता है पुरुषार्थ परिश्रम तो वो पुरुष माने आत्मा के लिए हितकारी होता है तो पुरुषार्थ करेगा कोई तो उसका कल्याण होगा तो पौरुषेयम यहाँ पर ढई हो गया ढई को ए हो जाएगा और लोप आदि होकर के आदि एच को वृद्धि हो जाएगी तदित्य सुचामा दे से तो पऊ बन जाएगा पुरुष पुरुश का पौरोष और ऐसे लोप होकर के पौरुषेयम ऐसा बन जाएगा डको ए होता है आईने ही फा डका चकाम प्रत्याधीन ठीक है तो ये हो गया चलिएगा आगे का सूत्र है माणव चरकाभ्याम खई मानव चरकाभ्याम पंचो व्यक्ति उतनातम खई प्रथमा व्यक्ति एक उतनातम समास मानव इतर इतरेतर योग द्वंद्व तो ठीक है मानवश्च चरकश्च मानव कचरकाभ्याम मानव कचरकाभ्याम हाँ माणव माणवश्च चरक माणव चरकऊ ताभ्याम माणव चरकाभ्याम ऐसा है अनुवृत्ति है तस्म हितम तद्यता ज्ञापरात्र का प्रत्यय परश्चय अनुवृत्ति है ठीक है अर्थ चतुर्थी समर्था प्याम माणव चरक इतताभ्याम शब्दाभ्याम हितम इतस्मिन अर्थे खई प्रत्ययो भवती चतुर्थी समर्थ माणव और चरक इन शब्दों से हितम इस अर्थ में खई प्रत्यय होता है क्या होता बोलो खई प्रत्यय उदाहरण दिया माणवाय हितम माणवीनम माणव बोलते बालक को लड़के को ठीक है तो लड़के के लिए बालक के लिए जो हितकारी होता है उसको माणविनम बोलेंगे खई हो गया आदिश को आदिश को वृद्धि तो प्राप्त नहीं है प्राप्त है तो वो पहले से वृद्धि है वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है तो ख को हीन हो जाएगा तो माण माणवीनम बन जाएगा ठीक है जैसे लोप लो आदि होकर के चार कीणम या चरक शब्द से यहां आदि एच को वृद्धि हो जाएगी ठीक है और अणत्त हो जाएगा अटकोपन पीछे तो चार कीर्णम चरक के लिए जो हितकारी वो चार कीणम तो चरक के लिए क्या हितकारी है इसका अर्थ मैं आपको देख करके एकदम बता देता हूं स्पष्टता से इसमें ऐसा विशेष कुछ भी नहीं लिखा हुआ चरक चरक और चरक जो भी है चरक कोई व्यक्ति है उसके लिए जो हितकारी चरक या चरक चरक शब्द से चरक के लिए हितकारी ऐसे अर्थ लिखा हुआ है ठीक है बाकी हमको देखना पड़ेगा कि शकोश के अंदर ठीक है यदि मिलता है कहीं तो अब ये हो गया आपका आगे सूत्र आ रहा है हमारा तदर्थम विकृते प्रकृतव तदर्थम प्रथमा व्यक्ति एक वचना ये वस्तुता सप्तम्यर्थ प्रथमा है जान दें क्या है सप्तम्यर्थ प्रथमा सप्तमी के अर्थ में प्रथमा है विकृते है पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम प्रकृत सप्तमी व्यक्ति एक वचनाथम ठीक है आइएगा देखेंगे सप्तम्यर्थ में प्रथमा कैसे है समाज करते हैं इसमें पहले तस्मय इदम तदर्थम चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया है चतुर्थी तदर्थात वाले हित सुख रक्ष, रक्षित ही है उस सूत्र से तस्मयी एदम तदर्थम उसके लिए यह उसको क्या बोलते है? तदर्थ ये तो चतुर्थी तत्पुरुष तत्पुरुष समास हो गया अनुवृत्ति इसमें आ रही है तस्मय एतम तद्यता ज्ञाप प्राप्त का प्रत्यय परिचय इनकी अनुवृत्ति आ रही है ठीक है अर्थ ठीक है यहां विकृति विकृति और प्रकृति ऐसा पंचमी का रूप है सप्तमी का है मूल शब्द है विकृति और प्रकृति प्रकृति होता है कारण और विकृति होती है कार्य क्या प्रकृति होती है कारण और विकृति होती है कार्य जिससे कोई पदार्थ बनता है तो जिससे बनता है वो तो जो बनता है उसकी प्रकृति होती है और जो बनता है जिससे बनता है उसका वो कार्य होता है जैसे दूध से दही बनता है क्या दूध से दही बनता है तो दूध क्या हो गया प्रकृति हो गई और क्योंकि दूध से दही बनता है दही क्या हो गया कार्य हो गया माने उसी को कार्य को विकृति कहा है यहां और जो कारण है उसको प्रकृति कहा है अब समझते हैं यहां पर कह रहे हैं कि विकृति वाचिनश्च चतुर् चत, चतुर्थी समर्थात प्राप्तपरिकार्थ प्रकृतावि प्रकृतावभिधेयायाम यथावेतम् प्रत्ययो भवति हेतमित्ते तस्मिन् अर्थे यदि सा प्रकृति ही एकर्त विकृत्यर्था भवेत कहते हैं कि तदर्थ के अर्थ में वर्तमान प्रकृति विकृति तदर्थ के अर्थ में वर्तमान प्रकृति उसके लिए यह इस अर्थ में वर्तमान जो विकृति तो वही का विकृति वाचना चतुर्थी समर्थ विकार को कहने वाला जो चतुर्थी समर्थ प्रापरिक से क्या प्रकृत अविधे आयाम प्रकृति को कहना हो माने विकृति विकारवाची मान विकार विकार को कहने वाले जो शब्द है उससे उस की प्रकृति को कहना हो तो क्या है कहते हैं प्रकृति यथाव एतम प्रत्यय भवती मान ऊपर जि जिस शब्द से जो प्रत्यय कह दिया है ऊपर जिस शब्द से जो प्रत्यय है। प्राकृत अच्छा उग्रदलाच संज्ञायाम इत्यादि तो जिस शब्द से जो प्रत्यय कह दिया है वो इस अर्थ में हो जाता है अर्थात हितम अर्थ के हित भी आएगा साथ में पर विकृति और प्रकृति ये आपस में यहाँ पर विशेष लग गए हैं ठीक है कहते हैं यदि सा प्रकृति यदि वो प्रकृति है जिस प्रकृति को कह रहे हैं कहना है हमें वो प्रकृति वाची शब्द है वो क्या ववेत वो प्रकृति यहां पर विकृति के लिए ही होनी चाहिए विकृति के लिए ही होनी चाहिए तो उदाहरण देते हैं अंगार भ्यो हितानी हितानी काष्ठानी अंगार ही काष्ठी अंगार होते हैं जो कोयले होते हैं कोयले कोयलों के लिए अच्छा अंगार मैं कोयलों के लिए जो हितकारी लकड़ी मानी ऐसी अच्छी लकड़ी जिसके कोयले आसानी से बन जाते हैं अंगार है तो ऐसी लकड़ी को कहना है तो क्या हो जाएगा यथावित प्रत्यय हो जाएगा जो भी है तो यहां पर क्या है ये अंगार और काष्ठ है, दो हैं अंगार मान कोयला किससे बनते हैं लकड़ी से बनते हैं इसका मतलब क्या हुआ जो कोयला शब्द कैसा हो गया विकृतिवाची होगा अंगार अंगार शब्द क्या हुआ विकृति और जो लकड़ी है लकड़ी से कोयला बनता है तो लकड़ी काष्ट क्या हो गई प्रकृति हो गई अंगार की प्रकृति क्या है लकड़ी और जो काष्ट काष्ट की विकृति क्या है यहां पर काष्ट से बहुत सारी चीजें बन जाती तो यहां क्या है अंगार कोयला तो यहां विकृतिवाची शब्द है अंगार।, उस अंगार से अंगार शब्द से ही क्या है प्रकृति को कहना हो उसी की प्रकृति को प्रत्यय होगा और वो हितकारी होना चाहिए अच्छा होना चाहिए विकृति के लिए प्रकृति अच्छी बताई जानी चाहिए, जा रही हो तो तो प्रकृति विकृति का संबंध यहां पर होना आवश्यक है तो क्या है तो यहां पर क्या हो गया छ प्रत्यय हो गया प्राकृतिक छ चा से छ आ रहा है तो छ हो गया क्या रहा प्राकृतिक छ चा से छ आ रहा है तो छ हो गया और प्राकारिया है इष्टका प्राकारी है, मारे प्राकारी बोलते हैं चार दीवारी है। क्या चार दीवारी कहते बाउंड्री कह सकते बाउंड्री तो बाउंड्री के लिए जो हितकारी ईटें भाई ईटें ईटें पहले हमेशा प्रकृति पहले विद्यमान होती है विकृति बाद में होती है ये भी समझ ले तो ईटें ऐसी ईटें जिनका विकार क्या है चार दीवारी उनसे निर्मित ईटों से तो बनती है तो ईटों की विकृति है वास्तव में यहां पर चार माने ये प्राकार प्राकार तो प्राकार के लिए माने इमे इष्टका प्राकार इष्टका माने प्राकार के लिए चार दीवार के लिए जो हितकारी ईटे तो चार दी प्राकार और ईटों में प्रकृति विकृति का संबंध है ईट प्रकृति और चो यह है आपका प्राकार ये क्या है विकृति तो इसलिए यहां पर ईटों को कहना है वो तो यहां प्राकार शब्द से विकृति बातचीत से छत्य हो गया प्राकृत अच्छा से छा रहा है इसी सूत्र से हुआ ध्यान दें और कहते हैं शंकद्यम दारू तो शंकाय शंकु ने खूटी के लिए लकड़ी तो खूटी क्या है विकृति शंकु दारू क्या है उसका प्रकृति तो उस विक्द से शब्द से यदि प्रकृति को कहा जा रहा हो उसी की प्रकृति को तो क्या प्रत्यय होगा यहां क्या हो यथावेद प्रत्यय का है तो छका चाह क्या है? क्या उगवाद कहा था क्या कहा था उगवादिव्यो यत् तो ये वर्णात शब्द है शंकु तो यहां शंकब्यम बन जाएगा यत हो जाएगा और गुण हो जाएगा और गुणा से बांतु प्रत्यय से अवदेश हो जाएगा तो ये दारू हो गया ऐसे है माने कपास के लिए हितकारी ऊन तो कपास क्या है कारपास क्या है यहां पर प्रकृति और उससे कपास से उत्पन्न कपास किसको बोलते हैं जो वो जो जिनमें ऊन होती है ऐसे फूल जैसे होते हैं का जो ही बोलते हैं कपास ही बोलते हैं उसमें से उत्पन्न होने वाली ऊन जो विकृति है उसकी तो यहाँ पिचब्य कारपाशा तो ये पिचू शब्द है पिच्चू उत्तर तो हो गया है तो यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि तस्मई हितम तो ठीक है परंतु ये प्रत्यय ये तभी प्रत्यय होगा यहां पर जब विकृति और प्रकृति का परस्पर संबंध हो और वाची से उसी की प्रकृति को कहना हो उसको और किसी की प्रकृति को कहना हो तो नहीं ठीक है बस ये है और इसमें विशेष कुछ भी नहीं है आगे यहां पर हिंदी लिखी है गुरु जी पढ़ के बता देता हूं आपको जो किसी वस्तु का कारण हो वह प्रकृति होती है उसका जो विकार हो विकार विकृति होती है ठीक है प्रकृति उदाहरण में अंगार काष्ठ की विकृति है तथा तो काष्ठ प्रकृति है सो अंगार विकृति वाची प्राप्ति से काष्ठ प्रकृति अविधेय होने पर छ प्रत्यय हो गया अंगार बनाने के लिए तदर्थ जो काष्ठ वे अंगारीय कहाएंगे इसी प्रकार प्राकारार्थ में प्राकार प्राकारार्थ का है प्राकार के लिए चार दीवारी के लिए जो ईटे हों बस इतना ही है इसका चलिएगा आगे का सूत्र है हमारा छादी रूपाधि वाले ढाई

कहते हैं अर्थ चतुर्थी समर्थे छदि उपाधि बलिभ्यो विक्रवाचिभ्य प्राप्ति के तदर्थ हितार्थी ठीक है कहते हैं कि चतुर्थी समर्थ छदि यह वस्तु तो छदिश शब्द है छदिश ठीक है ये शब्द कैसा है वास्तव में ऐसा है छद ऐसा परंतु यहां पर हम आप उसको छदि ले लिया ऐसा ही छदी में विसर्ग बना दिया उसको शको तो कहते हैं छदिश और उपाधि शब्द है छदी छदिश का अर्थ होता है छत छत उपधि का अर्थ होता है जो रथ होते हैं रथ उनका जो धुरा होता है वो उपधि होता है बलि बलि का अर्थ होता है जो में आदि करते हैं तब यजमान बलि निकालता है। कुछ रो खा, खाने के पदार्थ के रोटी आदि के टुकड़े कुछ जीव जंतुओं को डालने के लिए ठीक है कौए आदि के लिए तो इन प्रातिपदिकों से विकृति वाच्यों से ये कैसे शब्द हैं विकृति वाच्य है ठीक विक... आ... है इनसे प्राप्ति तदर्थ प्रकृति विदे माने तदर्थ माने प्र... इनकी प्रकृति को कहने के लिए ढई प्रत्यय होगा वाले से क्या प्राप्त था च्छ। प्राप्त था प्रत्यय जैसे छद्र छद्रभ्यो हितानी तृणानी छेणी तृणानी छत के लिए प्राचीन काल में तो अः जो की छत बनती थी ऐसे छप्पर बनता है तो छत के लिए जो हितकारी तिनके घास फूस उसको बोलेंगे छाद शेयाणी तो छत क्या हो गई विकृति और तिनके क्या हो गए उसकी प्रकृति क्योंकि तिनकों से छत बनती है तो छाद शेणी त्रिणानी अच्छा तो यहाँ छदिश शब्द है ये और छदिश्य क्या हो जाएगा ये ढ प्रत ढही प्रत्यय हो गया आदि को वृद्धि हो गई और को ए हो गया और छाद शेय और बहुवचन में छाद शेयाणी बन जाएगा औपधेयम दारु तो उपधा तो ये उपधि है ठीक है तो दारु माने तो उस रथ के जो बीच का जो धुरा है उसके उसको बनाने के लिए जो हितकारी लकड़ी तो धुरा तो विकृति वाची होगा उपधि और जो दारू लकड़ी है वो क्या होगी प्रकृति होगी तो उस प्रकृति को कहना है दारू को तो क्या है अउपधेयम दारू यहां पर वृद्धि हो जाएगी ये आदेश हो जाएगा और यह का हो जाएगा बली में बाले या तंडुला बली के लिए जो हितकारी तंडुल माने जिन चावलों से बलि बनाई जाती है तो बली क्या होगा विकृति और उस से बनाई जाती चावलों से तो वो तंडुल क्या हो गए चावल हो गए तो प्रकृति हो गए तो बाले यास तंडुला तो यहां पर भी क्या बलि से आदि वृद्धि हो जाएगी ढको हो जाएगा ई का लोप हो जाए तो बहुवचन में बालियास तंडुला तो बाले या तंडुला ऐसा कर सकते हैं ना तो ये हो गया आपका चलिए ऋषभोपान हो ऋषभोपान हो षी व्यक्ति पंच प्रथमा व्यक्ति एक वचनात्तम ठीक है यहां पर ये क्या है पंचम में अर्थे ष्ठी है अस्तम में पंचम में अर्थे पंचमी के अर्थ में ष्ठी दे दी है समात ऋषभश्चा उपानच्चा ऋषभा ऋषभो पान तयो हो ठीक है द्वंद्व हो गया तरह तरह द्वंद अनुवृत्ति है तदर्थम विकृत प्रकृत तस्मय हितम तद्यता प्रत्यय परिश्चिन की अनुवृत्ति है चलिएगा कहते हैं अर्थ विकृतिवाचिभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम ऋषभ उपान नर्थे तदर्थ प्रकृत इतना विकृति विकृतिवाची क्या है ऋषभ और उपान ध्यान देंगे ऋषभ और उपान ऋषभ का अर्थ होता है बैल घटा देंगे प्रकृति और विकृति भी घटा देंगे और उपाना का अर्थ होता है जूता इन प्राप्तों से तदर्थम प्रकृति के लिए विकृति तो प्रकृति को कहना हो तो क्या हो जाता है प्रत्यय हो जाता है यह भी छ का अपवाद है तो हित अर्थे तो ऋषभाय हितम आर्षे भो ऋषभ का अर्थ हो गया वास्तव में जो साण होता है बैल जो साण जो माने जिसको गाय पशु जो गाय आदि को गर्भाधान करने के लिए साण पाला जाता है अर्थात जिसकी पौर शक्ति को नष्ट नहीं किया जाता है जो हल आदि में नहीं चलता है वो उसका काम होता है केवल गाय आदि को आ, का गर्भाधान करना साण पालते हैं तगड़ा है तो उस शाण तो शाण के लिए हितकारी जो बछड़ा माने ऐसा बछड़ा जो आगे चल के साण बनेगा ऋषभ बनेगा बन सकता है उसके अंदर क्वालिटी है आ, उसके अंदर इतना वो है तो शक्ति है उसका आकार अच्छा है सब कुछ हृष्ट पुष्ट है तो क्या हुआ जो शाण है माने ऋषभ है उसकी प्रकृति क्या है बछड़ा पहले बछड़ा ही तो है बछड़े से तो सांड बनेगा तो ऋषभ क्या हो गया विकृति और बछड़ा क्या हो गया वत्स वत्स हो गया प्रकृति तो उस ऋषभ शब्द से उसकी प्रकृति में बछड़े को कहना हो तो क्या कहेंगे कहते यहां पर यहां पर हो जाता ऋषभाय हितम वत्साह आर्षभ्य वत्साह आर्सभ्य वत्साह का अर्थ है ऐसा बछड़ा जो आगे चल के अच्छा शान बन सकता है तो रिश, शब्द है यहां पर आदि वृद्धि हो जाएगी रे श और ये यहां पर ये प्रत्यय हो गया इसकी संज्ञा हो जाएगी ये तो होने से यहां वृद्धि हो गई तो री को वृद्धि क्या हो जाएगी आर तो आर श और करके आर्शब्या, से ति लोप होकर के आर सभ्या सादितपत्यर्षभ्य संधि से आरश्यभ्य हो गया ऐसे औपानहियो मुंजह मूज पहले ये वास्तव में उपान जो तक खड़ाऊं खड़ाऊं पहले मूज की डोरी की खड़ाऊं बनाते थे लोग मूज की रस्सी की खड़ाऊं बनाते थे उसी को यहां उपाना कहा है <laughs> तो उंजहा तो उपाना न जूते के जूता खड़ाऊ को बनाने के लिए हितकारी जो अच्छी मूज तो मूज क्या है प्रकृति और जूता क्या है उसका विकृति में खड़ाऊ खड़ाऊ मैंने वो लकड़ी का पट्टे पे उसको ऐसे तनी उसकी तनी बनाते की ऐसा नहीं कि लकड़े अब वो पूरा नीचे का पट्टा भी मूंझ का हो ना कि तनी जिसको बोलते हैं चप्पल की तनी होती है वैसे खड़ाऊ की भी तनी होती है रस्सी की तो पा नहीं हो मुंजा तो यहां पर भी यह प्रत्यय हो गया और आदि को वृद्धि हो गई है और कुछ भी नहीं है, इसमें मिल गया है योग चलिएगा चर्मणोई चर्मणा ष्ठी व्यक्ति एक प्रथमा व्यक्ति एक वजनातम ठीक है तो ये भी यहां पर क्या है चर्मा पंचम पंचम अर्थ प्रथमा है वो ष्ठी है ठीक है पंचमी के अर्थ में ष्ठी है आ, ध्यान देंगे यहाँ ये ष्ठी व्यक्ति एक वचन है पंचम अर्थ षी नहीं है अभी मैंने काशिका में देखा है तो डाउट हो गया मुझे षठी ही है पंचमी नहीं है क्योंकि यहाँ षी इसलिए है बता रहे हैं क्योंकि भाई चरमणा ये पंचमी में भी बनता है षष्ठी में एक जैसा बनता है एक जैसा ही बनता है षठ ष्ठी पंचमी में एक वचन में

तदर्थम प्रकृत हितम समझ लीजिएगा कहते चतुर्थी समर्थ कौन सा चर्म का चर्म का जो विकृति चर्म से नहीं प्रत्यय कर रहे वास्तव में यदि पंचम अर्थ षी हम मान लेते तो चर्म से ही प्रत्यय होता चर्म से तो होता चर्म से नहीं कर रहे चर्मण या विकृति चर्म का जो विकृति उसका कहने वाला जो शब्द उस प्रापिक से प्रत्यय होता है किसमें चर्म को कहना हो प्रकृति को कहना हो तू हितम इस वरद्रा हितम वारद्रम चर्मा तो यहां चर्म को कहा यार चर्म यहां प्रकृति है वास्तव में जो वर्ध्र होता है वर्ध्र <laughs> तांत बनाने के लिए तांत बनाने के लिए क्या है जो धनुष होता है धनुष धनुष पर जो डोरी चढ़ाई जाती है उसको तांत बोलते हैं क्या बोलते हैं तांत हिंदी में तांत ऐसे बोलते हैं ये लिखा हुआ है आपको उसमें तांत तांत का धनुष पर जो डोरी चढ़ाई जाती है वो तांत बोलते हैं वो किसकी होती चमड़े की होती है ठीक है तो तो उस तांत के लिए हितकारी जो चमड़ा तो तात क्या हुआ जो रस्सी है वर्ध है वो क्या हुआ किसी की चर्म की चर्म को कहना हो तो क्या वार्धम चर्मा तो वर्ध से यहां पर क्या हो गया अं प्रत्यय हो गया अं प्रत्यय होने से क्या हो गया आदि वृद्धि हो गई है ऐसे तिलोप होकर वारध्रम चर्म चर्म नपुंसक लेगा तो वारध्रम मिल गया ठीक है ये भी छ का अपवाद है वारत्रम चर्म ये वरत्र होती है जो हाथी होता है हाथी हाथी के आगे से आगे की जो जो टांगे होती है उनके नीचे से रस्सी निकाली जाती है ठीक है तो चमड़े की बनाई जाती है उसको खींचते हैं ऐसे ऐसे आगे रोकने के लिए अथवा तो तेज चलाने के लिए तो उस रस्सी को वरत्र बोलते हैं तो वरत्र के लिए जो हितकारी चमड़ा वो वारत्रम चर्म ठीक है यहां पर भी कुछ भी नहीं है वर्त्र शब्द वारत्रम बन गया ये लिखा है गुरुजी ने लिखा व्र कहते हैं चमड़े के बने दस्ताने को यहां गुरुजी ने व्र को ये लिया है ठीक है परंतु सिद्धांत कौमुदी में इसका अर्थ क्या लिया गया है तांत गुरुजी ने यहाँ पर चमड़े के दस्ताने हाथ के दस्ताने ले लिया व जो सिद्धांत कौमदी की जो व्याख्या है उसमें मैंने देखा है उसमें ता, दोनों अर्थ हो सकते हैं तो उसकी जो डोरी है वो भी हो सकती है वो भी चमड़े की होती है और वरत्र होता हाथी के स्थित रज्जू को कहते हैं कक्ष स्थित से निकलती है उसको रज्जू को निकालते हैं ठीक है थीके? वो अतः दोनों चमड़े के विकारवाच्य प्राप्त है सो इनसे अं प्रत्यय हो गया ठीक है चलिएगा अब ध्यान देंगे ये यहां यहां तक ये ये सूत्र और ये सूत्र और ये सूत्र ये क्या है इस सूत्र के अपवाद हैं इस सूत्र से सामान्य करके क्या प्राप्त हो रहा था छ प्रत्यय प्राप्त हो रहा था अथवा उग्रवाद व्यादियों से जो कहा है वो हो रहा था परंतु इन्हो इस ये अर्थ होगा हितम के साथ साथ में तो इन शब्दों से तो ये ये प्रत्यय होंगे ये इसके अपवाद हैं ठीक है थीके? अब एक नया अर्थ आ रहा है चलिए इसको भी देख लेंगे सरल है तदस्य तदस्मिन स्यादिति तत् प्रथमा व्यक्ति एक अस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम स्यात् क्रियापदम् ठीक है इति अव्यय पदम् अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप्राप्तिकात् प्रत्यय परश्च इनके अनुवृत्ति है अर्थः तदिति प्रथमा समर्थात प्राद्पदिकात षष्ठे सप्तम अर्थे च यथा विहितं प्रत्ययो भवति यत् तत् प्रथमा समर्थं स्यात् चेतत भवति कहते हैं तद इति तत् लिया तद इति का अर्थ प्रथमा समर्थ ठीक है प्रातपदिक ष्ठर्थे अस्य का अर्थ है या षष्ठी का अर्थ ठीक है षष्ठर्थे और तत् से प्रथमा समर्थ ले लिया और अस्मिन का अर्थ है सप्तम अर्थ सप्तम अर्थ है चाहे यथावेतम प्रत्यय भवती ऊपर जो प्रत्यय जिससे कह दिया है प्राकृत का से इच्छा कह दिया इसी इच्छा इसी से हो जाएगा और उसके अपवाद हैं वो कह दिए वो माने यथावित जिससे जो प्रत्यय विधान किया गया वो हो जाएगा ठीक तो है तो अब इतना ही माने प्रथमा समर्थम सियात चेत तद भवती इसको जोड़ लेना है यदि वो जो प्रथमा समर्थ प्रापी है वो हो सकता हो माने संभावित हो सकता हो तो तो प्रत्यय होगा में और सप्तम अर्थ में अभी देखेंगे समझ में आएगा अर्थ है संभावना हो सकता है अर्थ में दिखाते हैं प्राकार आसाम इष्टान प्राकारिया प्राकारी आकार प्राकार, प्राकार का अर्थ है चार दीवारी चार दीवारी इन ईट आसाम इष्ट नाम इन ईटों की सात माने बन सकती है हो सकती है ये इतनी ईटें संभव है कि चार दीवारी बन जाए तो इस प्रथमा समर्थ से आसाम इष्ट का नाम इनको कहने के लिए प्रत्यय हो जाएगा संभावना बन सकती है जरूरी नहीं है हंड्रेड परसेंट तो प्राकारिया इष्टका तो इतनी ईटें संभावना है जिनमें प्राकार में चार दीवारी बन जाएगी तो उन ईटों को क्या बोलेंगे प्राकारिया इष्टका तो क्या हो गया इसी सूत्र से छह आ गया प्राकृत अच्छा से च्छा रहा है इसमें ठीक है टकाहा प्रास दारू माने प्रासाद माने महल तो महल के लिए माने महल बन सकता है इतनी लकड़ी का ठीक है इसका ऐसे करेंगे प्रसाद अस्य दारोह दारु दारू माने प्रसाद अस्य दारोह दा, दारूण सत दारू दू दारू, दारूणी नपुन सक लेंगे तो अस्य दारु मान इस लकड़ी का महल बन सकता है संभावना है तो उस लकड़ी को क्या बोलेंगे प्रासादीयम दारू तो प्रासाद प्रासाद से अच्छा हो गया तो ये भी प्रासादीयम बन गया सप्तम अर्थ में दिखा रहे हैं प्राकारोस्मिन देशे सात प्राकार या भूमि माने इतने स्थान में प्रचार दीवारी बन सकती है संभावना है तो उस स्थान को क्या बोलेंगे भूमि को क्या बोलेंगे प्राकारिया भूमि है छ हो गया यहां पर प्रासादिया भूमि ऐसे महल के लिए महल बन सकता है अस्मिन इस भूमि में तो वो भूमि क्या कहलाएगी प्रादीया भूमि भूमि स्त्रीलिंग इस लेंगे इसलिए प्रासादिया कर दिया क्या प्राकारिया का दिया टाप आ गया इनसे बाद में ठीक है प्रत्यय करके अब ध्यान देंगे जैसे ये सूत्र है अब इस सूत्र में ऊपर के जो सूत्र है ये दिखा देता हूं मैं आपको ये सारे जुड़ जाएंगे ये आपको ये फिर समझा देता हूं अब चलते चलते ये इतने सूत्र हैं इतने ये, ये 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 चार सूत्र उस सूत्र के साथ जुड़ जाएंगे एकदम ठीक है ऐसे ये, ये चार सूत्र यहां जुड़ जाएंगे इसमें ये चारों सूत्र इसमें जुड़ जाएंगे इसके साथ हितम अर्थ में ठीक है पर मां अर्थ दिखा नहीं रहे अर्थ दिखाने की आवश्यकता नहीं है ये ये सूत्र यहीं से कह दिया था लगातार अनुवृत्ति चलेगी माकृता अर्थ से पहले पहले जो अर्थ है उन सभी अर्थों में इनकी अनुवृत्ति चलेगी इन शब्दों से तो यही प्रत्यय होंगे माने सामान्य रूप के प्रत्यय होगा सबसे फिर उसका अपवादि य कमलाच संज्ञाया विभाषा अपूपा तो इस प्रकार से ठीक है तो इसमें जो हमने अभी पढ़ा है उसमें तो प्रत्यय हो रहा है ठीक है ये अब अब कहते हैं कि ये तो ये हो गया परंतु सब जगह कहते हैं इसका एक अपवाद बना रहे हैं एक शब्द एक सूत्र बस केवल ये इसी का अपवाद है परिखाया ढई परिखाया पंचमी व्यक्ति व्यक्तिवनाम ढई प्रथमा व्यक्ति अनुवृत्ति व्यक्तिवचना अन्वृत् तद त्यादी तदतापापतिका प्रत्यय पर अर्थ प्रथमा सर्था परीक्षा प्राप्ति षठ्यर्थें सप्तम्यर्थें ढई प्रत्यय यद प्रथमा सर्थ सियाचे तदवती प्रथमा समर्थ परीक्षा प्राप्त से ष्ठी के अर्थ में सप्तमी के अर्थ में ढी प्रत्यय होता है छ नहीं होता है ऊपर वाले सूत्र से क्या प्राप्त अच्छा। तो छ मना कर दिया परीक्षा से नहीं हुआ यदि वो प्रथमा समर्थ मैं परीक्षा परीक्षा बन सकती हो इसकी अथवा इसमें इसको कहने के लिए तो परीक्षा स्याद अस्याम भूम्याम माने परीखा माने खाई तो गड्ढा खोदते हैं चारों तरफ खाई बोलते हैं। तो खाई हो सकती है इतनी भूमि है कि खाई बन सकती है तो उस भूमि को क्या बोलेंगे पारिखेई भूमि भूमि ये ढही प्रत्यय ध्यान देंगे तो ये पारे खा और ये सष्टी में लाएंगे तो गया पर नस आ जाएगा ठीक और ये ढाई प्रत्यय हो गया आपका ढाई ढाको क्या हो जाए इसका लुक हो गया ए हो गया और वृद्धि हो गई जैसे आ का लोप हो गया तो पारी खे बन गया भूमि शब्द स्त्री लेंगे तो इसमें ढाई है तो किडाणई टिडाणी आदि से क्या हो जाएगा गीप हो जाएगा यहां तो पारी खे ही बन जाएगा ये ठीक है चलिएगा तो जो प्राकृताक्षा अच्छा का अधिकार था वो वास्तव में बस यहीं तक था अब आगे नया प्रकरण चलेगा अब समझेंगे प्राकृत आक्षा अच्छा, बस अच्छा प्रत्यय की अनुवृत्ति यहीं तक थी उन सूत्रों की बस अब आगे नहीं है आज मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए ठीक है चलिएगा अब आगे कल की आगे, आगे की कक्षा में अलग पढ़ेंगे अब ये लंबा विषय चलेगा ठीक है सर्वेभ्यो नमः